कोरोना की इस महामारी ने कई स्टार्स को बर्बाद कर दिया क्योंकि उनके पास ना काम था और ना ही घर चलाने के लिए पैसे। और ऐसे में पैसों की दिक्कतों का सामना करते हुए सामने आए हैं इस बार जावेद हैदर। जी हाँ, आपको बता दें कि जावेद हैदर एक करेक्टर आर्टिस्ट हैं और बचपन से ही उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन आज वो ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं जिसके बारे में आपके भी होश उड़ जाएंगे। बता दें कि करेक्टर आर्टिस्ट जावेद हैदर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट यादों की बारात से की थी। आपको बता दें कि ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी। बचपन से एक्टिंग कर रहे जावेद हैदर कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो सामना कर रहे हैं काफी तंगी का। दरअसल अपनी बेटी की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे जावेद हैदर। खबरों की माने तो जावेद हैदर ने बताया है कि मेरी एक बेटी है जो 8th क्लास में पढ़ती है। एक पिता होने के नाते मेरी कोशिश है कि मुझसे बेहतर सीख और तालीम दे सकूं। पहले जब तक काम चल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हालात काफी खराब है। मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है। 3 महीने की फीस तो उन्हें माफ की गई थी, लेकिन फिर हमें हर महीने लगभग 2,500 भरने होते थे। ऐसे में मैं स्कूल गया और वहां एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने ये कहा कि 3 महीने माफ किए जा चुके थे। जावेद हैदर ने आगे ये भी बताया कि मुझे नहीं आता है कि स्कूल हम जैसे पेरेंट्स पर रहम क्यों नहीं करता। लॉकडाउन होने की वजह से पिछले 2 साल से बेटी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। मैं वक्त में फीस भी जमा करवा रहा था, पिछले कुछ महीनों से फीस नहीं दे पा रहा। ऐसे में उन्होंने मेरी बेटी को ऑनलाइन क्लास से निकाल दिया, कहीं से पैसे जमा कर अब फीस भरी तब जाकर उसे बिठाया। जावेद हैदर ने कहा कि कई बार लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उनसे मदद मांग लूं, थोड़ा बहुत नाम कमाया है, ऐसे में बोलने में भी शर्म आती है, जुबान खराब हो जाएगी। पैसा ऐसी चीज होती है कि वो कभी अपने आपने मांगा और सामने वाले ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो मुसीबत हो जाती है। कई बार आप काम के लिए कॉल कर रहे होते हैं तो वो उसे भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये है पूरी खबर जावेद हैदर के बेटे को लेकर। नेक्स्ट लाइफ रिपोर्ट।